वेलकम टू माय चैनल क्लियर खोटा में। और आज हम बात करेंगे ट्वेल्थ खोटा यानी इंटर का खोटा का सिलेबस देखेंगे और एमसीक्यू देखेंगे और एक नंबर का प्रश्न और दो नंबर का प्रश्न और चार नंबर का और पांच नंबर का देखेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं एमसीक्यू रहेगा आप लोगों का 30 और एक एक नंबर का रहेगा आपका शॉर्ट्स में लिखने का, जैसे किसी का एड्रेस या फिर जन्म। उसके बाद दो नंबरिया यानी दो अंक के प्रश्न और फिर है चार नंबरिया प्रश्न, पांच को क्वेश्चन रहेगा, फिर है पाँच नंबरिया यानी पांच अंक के प्रश्न, चार को रहेगा 20 नंबर का, तो टोटली 100 नंबर का रहेगा। तो आइए देखते हैं एमसीक्यू। फिलहाल सिलेबस के नज़र देख लेते हैं। खंधा का यानी गद भाग 30 अंक का पुस्तक खोटा गद्य संग्रह प्रकाशक बोकारो खोटा कमेटी प्रकाशक लेखक गर्म पाठ लेखक है बोरवाडा का खैबोर शांति भारत, फिर उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बाँस गोविंद महतो जंगली दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा डॉक्टर चतुर्भुज साहू, पुटी आर पालू एके झा बड़का बुजुर्ग बिरसा एके झा शेख भिखारी जूनी पारसनाथ महतो, पुस्तक खोटा निबंध लेखक बी एन ओहदार और प्रकाशक जनजातीय भाषा अकादमी रांची के रिलेटेड से ऑब्जेक्टिव रहेगा आप लोगों का। फिर है पाठ्यक्रम सब टाइप चले हैं, फिर है भाई बहन, फिर है फूल कर परब सरुल तकर प्रासंगिकता हामिन की संस्कृति और तकर ऊपरी संकट खोटा लेखन परंपरावादी नजानवादी हमें खड़ा हूँ फिंगाटी और फिर है ग डा नाटक दूसरा अंक नाटक सुकुमार प्रकाशक कुंती देवी भेंड्रा फरीद डहर लेखक पंचम महतो प्रकाशक बाली डी खोटा कमेटी बोकारो पाठ कर्मा दीदी जी रखतबारी डायन चटिया मानक बेथा। फिर खांधा खा पाद भाग तिशंकर रहेगा। पुस्तक एक पथिया डोंगल महुआ संपादक संतोष कुमार महतो प्रकाशक रामधन प्रकाश गांगजोरी बोकारो पाठ छोटे नागपुर शिवनंदन पांडे गरीब। फिर चासका कहनी शांति भारत ढड़नाच सुकुमार भीख दुटी दिहा प्यारे सन प्यारे दुखे के सूरे सुखे खांसी बंसीलाल बंसी आर ना पूछा हमार आल हाल सेवालाल महतो तोय लुचा की हम लुचा नागेश्वर महतो सुने तोय जगन्नाथ महतो। फिर सोचा उपाय दिनेश दिनमणि दिख रहे जीवन अकुल राम महतो घरे के फूट प्रतोष कुमार प्रजापति सोन माटी कवि विनोद कुमार प्रकाशक जनजातीय भाषा अकादमी रांची बिहार सरकार पाठ्यक्रम 6, 7, 8, 9, 21, 25 और 29, 30 पाठ्यक्रम से आज़ादी गीत माटी और संस्कृति नारी खोडर जिसको बोलते हैं अब लोग लकड़ी वगैरह बड़ा बड़ा जो पेड़ होता है उसमें जो लता बोलते गाँव देहात में खोडर वही होता है जो हॉल रहता है। बोनेक बेथा करिया हीरा बिजली महिमा नशा पान कविता पुराण कवि एके झा पृष्ठ 40 ही तो किताब में बताया गया है कि 40 से 81 तक चचा मामक डांक से बनवल बेटा छुआ तक छंद रस अलंकार और खोटा भाषा की विशेषता है। छंद से पूछेगा सोहरा गीत आपका करम गीत किसानी गीत और शिखरिया गीत और गुलवारी गीत रस माया है निसार करुणा संजवे के श्रृंगार शिचकारी विभत्स्य अजगैवी अद्भुत अलंकार दो मोहिया यमक चार मुड़िया एक कठिया अनुप्रास अटगाड़ी ढड़नाच सरगविंदा द्वितीय शक्ति। फिर चौथा निबंध लिखने को मिलेगा समाज के आधारित पर साहित्य के आधारित पर सांस्कृतिक आधार भौगोलिक विषय के परत खोटा व्याकरण उपसर्ग जोड़ा शब्द अलग अचल गदल शब्द भंडार शुद्ध वाक्य और खोटा आकार आखर। तो यह था मेरा सिलेबस। अब देखेंगे ऑब्जेक्टिव गद भाग हम देखते हैं गद भाग तो आइए हम देखते हैं जो कि मेरा ऑब्जेक्टिव भाग है खोटा गद्य संग्रह किताब कर प्रकाशक लागे। तो पहला मेरा बोकारो खोटा कमेटी, दूसरा खोटा साहित्य सांस्कृतिक परिषद बोकारो खोटा ढांकी क्षेत्र कमेटी, फिर बालेडी खोटा कमेटी। तो मेरा आंसर होगा बोकारो खोटा कमेटी। खोटा गद्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष है 1988, 1989, 1990 और 1991। तो 1988 होगा और ये फिलहाल सीजीएल का एग्जाम में कल ही पूछा गया था। बोरवाडा का कई बोर लेख लिखल लागे अमर कुमार महेश गुलवार शिवनाथ प्रमाणिक शांति भारत। तो शांति भारत होगा। उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बाँस संस्मरण लिखल लागे गोविंद महतो जंगली के डॉक्टर चतुर्भुज साहू के एके झा के सुकुमार के। तो गोविंद महतो जंगली का दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा पाठ लिखल लागे गोविंद महतो जंगली डॉक्टर चतुर्भुज साहू डॉक्टर एके झा सुकुमार। तो डॉक्टर चतुर्भुज साहू पोटी और पालू शब्द चित्र पाठ लिखल लागे गोविंद महतो जंगली डॉक्टर चतुर्भुज साहू डॉक्टर एके झा सुकुमार। तो सुकुमार का फिर शेख भिखारी जीवनी पाठ लिखा लागे गोविंद महतो जंगली डॉक्टर चतुर्भुज साहू डॉक्टर एके झा पारसनाथ महतो। तो डॉक्टर चतुर्भुज साहू लिखे हैं। फिर बोरवाडा का कई बार कैसे रचना लागे जीवनी संस्मरण कहानी एकांकी
तो जीव ने सॉरी पुटी और पालू का हो सकता है डॉक्टर के झा लिखे हैं और शेख भिखारी का जीवनी पारसनाथ महतो लिखे हैं। बरवाडा का कई बोर कैसन रचना लागे तो संस्मरण होगा जीवनी बता दिए थे सॉरी। बरवाडा का कई बोर केकर बरवाडा का कई बोर केकर केकरा कहल गया है श्रीनिवास पानोरी के अर्जुन पानोरी के शालिग्राम पानोरी के एके झा के तो श्रीनिवास पानोरी का होगा। उड़ गया फुलवा रह गया बाँस केकर उप संस्करण लिखल गया है श्रीनिवास पानोरी जी के एके झा के डॉक्टर राधा कृष्ण के संतोष कुमार महतो का तो राधा कृष्ण का। शेख भिखारी का जन्म गांव है गांव रहे है और मांझे खुदिया लोटवा खंडगा सिकी देरी तो खुदिया लोटवा होगा। फिर शेख भिखारी का जन्म इसवी रहे 1819-1875-1920-1857 तो 1819 होगा। श्रीनिवास पानोरी जी के जन्म इसवी रहे 1819-1857-1920-1857 तो 1920 होगा। बिरसा मुंडा का जन्म इसवी 1819-1875-1920-1857 तो 1857 बिरसा मुंडा का जन्म गांव उलियातू बरवाडा खुदिया लोटवा तो उलियातू दार्जिलिंग जहाँ पर प्रधानमंत्री गए थे। दार्जिलिंग और गंगटूक यात्रा लेखक कई बैर गेल हत एक बैर दो बैर तीन बैर चार बैर तो दो बैर। दार्जिलिंग और गंगटूक यात्रा लेखक पहल बैर कहाँ की छगुआ के लेगल रहत चाईबासा गिरिडीह साकुल हजारीबाग तो चाईबासा के छगुआ। दार्जिलिंग और गंगटूक यात्रा लेखक पहल बैर कौन कहने बछरे कहने कौन होगा कौन बछरे छगुआ के लेगल रहत 1983-1984-1985-1986 तो 1983। दार्जिलिंग और गंगटूक यात्रा लेखक दूसरा भैर कौन बछरे छगुआ लेगल रहा 1983-1984-1985-1986 तो 1984। दार्जिलिंग और गंगटूक यात्रा लेखक कौन छगुआ के लेगल रहत कॉलेज पढ़वा छगुआ के मानव विज्ञान पढ़वा छगुआ के स्कूलिया छगुआ के घर छगुआ के तो मानव विज्ञान पढ़ने वाला छगुआ को। अब दूसरा पड़ाव देखेंगे सोनमाटी। सोनमाटी किताब केकर लिखल लागे विनोद कुमार के डॉक्टर विनोद आर के कुमार शशि के दिनेश दिनमणि के तो विनोद कुमार का। सोनमाटी किताब एक प्रकाशक लागे जनजातीय भाषा अकादमी रांची खोटा साहित्य संस्कृति सुपरिषद बोकारो खोटा ढांकी क्षेत्र कमेटी कोठार बालेडी खोटा कमेटी बोकारो तो जनजातीय भाषा अकादमी रांची। सोनमाटी किताब कर प्रकाशन वर्ष लागे 1988-1989-1990-1991 तो 1990 होगा। सोनमाटी किताब लागे कहानी संग्रह कहानी और कविता संग्रह गद्यपद संग्रह एकांकी संग्रह कहानी और कविता संग्रह होगा। सोनमाटी किताब कई कविता है 20-25-30-31 तो 31 कविता इसका आगे देखेंगे। अगला पढ़ाव डा नाटक को देखेंगे। डा नाटक अजगर लिखल डा नाटक लिखल के महेंद्र नाथ गोस्वामी सुधाकर के विश्वनाथ दसौंधी राज का तो सुकुमार का। डा नाटक का प्रकाशक लागे दुर्गा बोकारो खोटा कमेटी खोटा साहित्य सांस्कृतिक परिषद बोकारो कुंती देवी भंडरा बालीडी खोटा कमेटी तो कुंती देवी भंडरा। डा नाटक का प्रकाशन वर्ष लागे 1989-1990 और 1992 डा नाटक कैसे नाटक लागे सामाजिक पारिवारिक धार्मिक काना पत्यारी अंधविश्वासी तो सामाजिक। डा नाटक के मुख्य पात्र हके विवेक शेखर विराट रेवती प्रसाद तो विवेक होगा। डा नाटक विवेक कर हथियारा लागे विवेक को कौन मारा था विवेक शेखर विराट रेवती प्रसाद तो विराट जगत जासूस उसको बहला कुचला के मरवाता है भाई भाई में लड़वाता है। डा नाटक के विवेक कर हथियारा रूपे जेल गेल रहे विवेक शेखर विराट रेवती प्रसाद तो उसी का भाई गया था शेखर तो शेखर होगा। डा नाटक के विवेक केकर कारखाना काम कर रहा है विवेक शेखर विराट रेवती प्रसाद तो रेवती प्रसाद के। डा नाटक के मुख्य जनी पात्र हिक उर्मिला रचना भावना और सीता तो रचना। डा नाटक के असली हथियारा खुलासा कौन कर हिक उर्मिला रचना भावना सीता तो भावना। फिर डा नाटक के रचना केकर बहुपत्नी लागे विवेक शेखर विराट रेवती प्रसाद तो विवेक का। डा नाटक के शेखर केकर भाई लागे विवेक जग्गा विराट रेवती प्रसाद तो विवेक का। डा नाटक के कई वो मोहड़ा दृश्य है 8-9-10-11 तो 11। डा नाटक के कई खंदा अंक है 3-4-5-6 तो 3 होगा। सुकुमार का पूरा नाम की हके सुरेश कुमार विश्वकर्मा सुरेश कुमार विश्वकर्मा सुभाष कुमार विश्वकर्मा सुखदेव कुमार विश्वकर्मा तो सुरेश कुमार विश्वकर्मा पूरा नाम है। डा नाटक के
भावना केकर बहु रहिक, विवेक जग्गा रेवति प्रसाद विराट, तो विराट। अब अगला पढ़ा देखेंगे खोटा निबंध पर कुछ सब प्रश्न बोलते हैं। प्रश्न, खोटा निबंध का रचना का लेखक लागे विनोद कुमार, डॉक्टर बी एन ओदार, शिवनाथ प्रमाणिक, डॉक्टर डी के जातो। डॉक्टर बी एन ओदार। खोटा निबंध का प्रकाशक लागे बोकारो खोटा कमेटी, जनजाति भाषा अकादमी रांची, बिहार सरकार, खोटा साहित्य संस्कृति बोकारो, खोटा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़। तो इसका होगा जनजाति भाषा अकादमी रांची। खोटा निबंध का प्रकाशन वर्ष लागे 1988, 1990, 1995, 2000। तो इसका 1990 होगा। खोटा निबंध में कई गो निबंध लागे 8, 10, 12, 14। तो 12 होगा। खोटा निबंध किताब है परब विषय के निबंध लागे भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक, गर्म परब, फूलकर परब, सरकुल अर्थकर प्रासंगिकता, फिर एक दो, एक या दो, दोनों, या फिर एक में कोई नहीं। तो इसमें तीसरा होगा, पहला और दूसरा। हमें खाना निबंध कौन विषय पर लिखल गेल है? तो राजनीतिक व्यंग, लोकतंत्र पर व्यंग, सामाजिक व्यंग, धार्मिक व्यंग। तो लोकतंत्र पर व्यंग। हमें खड़ा कौन रख में की रचना लागे? हास्य फिंगाठी व्यंग, विवरणात्मक, विश्लेषणात्मक। तो इसका आंसर होगा फिंगाठी व्यंग। अब अगला पढ़ाव देखेंगे फर्जी डर पर। फर्जी डर का लिखवाया लेखक लागत डॉक्टर बी एन ओदार, पंचम महतो, विनोद कुमार, जनार्दन गोस्वामी। तो पंचम महतो फर्जी डर किताबें कर प्रकाशक लागे बोकारो खोटा कमेटी, बालेडी खोटा कमेटी, खोटा साहित्य संस्कृति परिषद, खोटा विकास मंच। तो बालेडी खोटा कमेटी। फर्जी डर किताबें कई कहानी है 10, 11, 12, 13। तो 11 फर्जी डर किताबें एकर में कौन पाठ नखे? तो दीदी जी, सॉरी दुखा। फिर फर्जी डर किताबें एकर में कौन पाठ नखे? डायन, भूत, मानक व्यथा, मांझव। तो मांझव। फर्जी डर किताबें एकर में कौन पाठ ना है? उदासी, रकतवारी, मनान, धर्म करम। तो धर्म करम होगा। फर्जी डर किताब एकर में कौन पाठ नखे? बेनल झो, हेरल हाँसी, कर्मा, चासा। तो चासा। फर्जी डर किताबें गोछ लागे कहानी नाटक, नाटक होगा, ना कट दे दिया, लघु कथा एकांकी। तो कहानी। अब इसके आगे देखेंगे अगला क्लास में। तो अगर इसी तरह का वीडियो आप लोग चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल क्लियर खोटा को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्लियर खोटा। और इसका हम PDF क्लियर खोटा टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्लियर खोटा।